मेरठ को लेकर पुलिस के जो प्राथमिकता हमारी है, एक तो क्राइम, जनरल क्राइम जो है उसको पूरी तरह से नियंत्रित करना और ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं उनको उनकी सही जगह जेल वहां पे भेजना है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की जो जनपद की स्थिति है वो सुचारू रूप से चलती रहे। ये माह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रावण का माह है, कांवड़ की यात्राएँ होंगी, इसको ध्यान में रखते हुए उसकी भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूरे जनपद को 22 जोन और 63 सेक्टर में बांटा गया है, जगह जगह हम लोग CCTV कैमरे लगा रहे हैं, ड्रोन का भी हम लोग यूज करेंगे और उसके साथ ही हम लोग मोबाइल वैन का यूज कर रहे हैं जिसमें लगातार इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती रहेंगी, जो गाड़ियां पूरे रूट पर चलेंगी और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और जो भी पहले मामले आए हैं अभी हम लोग हर थाने से टास्क फोर्स सबसे ज़्यादा जिनके क्राइम में ऐसे 10-10 लोगों को चिन्हित कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी भी जो इशूज है उसको लेकर, जैसे महिला संबंधी है, पूरा माह महिला सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और इसमें भी हम लोग सेल्फ डिफेंस के क्लासेस बच्चों के करा रहे हैं, कानून की उनको जानकारी दे रहे हैं, 10-90 की जानकारी दे रहे हैं। रविवार की जो घटना हुई है इसमें अभी तक 54 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इसमें इस काल को बदर अली नाम के एक अभियुक्त ने किया था जिसकी पहले से भी क्रिमिनल हिस्ट्री है और उसके आपराधिक मामले दर्ज है, उसकी हिस्ट्री शीट खोली गई है और उस पर रिवार्ड घोषित किया गया, 5,000 रुपए का रिवार्ड घोषित किया। NSA क्या लगेगा बदर अली पे? NSA माहौल निश्चित रूप से खराब हुआ है, NSA की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, लीगल राय उसमें हम लोग ले रहे हैं, जो लीगल राय होगी उसके अनुरूप वो कार्रवाई भी करेंगे। शहरवासी की क्या भूमिका है आपका, जो आपकी पहचान है बदमाशों को लेकर? क्रिमिनल्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, हर थाने से टॉप 10 क्रिमिनल्स पहले टारगेट कर रहे हैं, पुराने जो अनकोर्ट केसेज हैं या जो क्रिमिनल्स फरार हैं जिनके पुरस्कार घोषित है वो हमारी प्राथमिकता में है कि वो गिरफ्तार हो जेल जाए। जो लोग इसमें शामिल नहीं थे, कई लोग शहर से बाहर थे, उनका भी नाम है? पहले हमने आपको बता दिया कि एविडेंस के आधार पर कार्रवाई होगी, जो फोटो वीडियो उसके आधार पर कार्रवाई होगी, अगर कोई व्यक्ति शामिल नहीं है तो उसे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आराम से। थैंक यू।